For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. वो एक बॉक्सर था, बहुत समझ रहा था अपने आप को। मैंने भी साले के दो पंच मारे एकदम फ्रिस्का। ओफो, कब तक दिन दिन भर सोता रहेगा और चीजें तोड़ता रहेगा? कुछ कामकाज कर। कामकाज? इस विलेज में क्या कामकाज करूंगा मैं? अपने भैया का हाथ बटा, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी? यू मीन फार्मिंग? मैं फार्मिंग करूंगा? माँ, मैं फार्मिंग कैसे कर सकता हूँ? माँ, तू बस एक बार मुझे शहर जाने दे, फिर देख मैं सोने की खान बन के आऊंगा। हीरे की खान बाद में बनना, पहले खाना देकर आ। खाना? व्हाट खाना? अपने भैया को खेत पर। होशियार, होशियार! आम और खास को सूचित किया जाता है कि संता बंता नाम के दो खतरनाक अपराधी जेल से भाग निकले हैं। उनको जिंदा पकड़वाने वाले को जिला परिषद की तरफ से 25,000 का इनाम दिया जाएगा। संत और बंता? संता, बोल बंता। देख, कपड़ों का इंतजाम तो हो गया। हाँ, चलो कहीं चल के आराम करते, फिर रात को निकलते हैं। ठीक है। साले अच्छे खासे हीरो को खेती बाड़ी कराएंगे। काम काज है? कैदियों के कपड़े और हमारे खेत में? अभी कहीं ये संता और बंता,
यस, अब बताऊंगा चिंटू को कि मैं सपने में नहीं रियल लाइफ में हीरो हूं। ये कपड़े दिखा के मैं उसको बताऊंगा कि मैंने कैसे संत और बंता को मार मार के नंगा करके भेजा। जी प्रभु। छोड़ो इसे। वेरी मच, आपने इन बदमाशों को पकड़ने में मेरी बहुत मदद की। यू विल बी रिवार्डेड फॉर दिस। विक्रम सिंह जिंदाबाद। विक्रम सिंह जिंदाबाद। विक्रम सिंह जिंदाबाद। विक्रम सिंह जिंदाबाद। चाचू को ये रहा तुम्हारा इनाम, ऐसे ही गांव का नाम रोशन करना। एक फोटो विक्रम सिंह। क्या हुआ सरपंच साहब? विक्रम नहीं, वीर बहादुर विक्रम जी बोलो, क्योंकि इस गांव में नहीं पूरे क्षेत्र में ऐसा बहादुर कोई लड़का नहीं। तालियां। वीर बहादुर विक्रम सिंह जी, एक फोटो संता बंता के साथ भी हो जाए। फोटो? नहीं नहीं नहीं, फोटो की कोई नेता वगैरह थोड़ा ना जो फोटो खींचा। नहीं, नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं, खिंचवाने पड़ेगी। अरे मेरे वीर बहादुर फोटो खींचा। रस्सी वस्सी तो ठीक से बनी है ना? नहीं मुझे कुछ नहीं, तोड़ के भाग भी तो सकते हैं। फोटो बनता, हमें जेल एक बार और तोड़नी पड़ेगी। अब की बार तो तुझे खत्म करके ही दम लेंगे। कैसा लग रहा हूँ चाचू? मुझे ये फोटो देखकर शोले फिल्म की याद आ रही है। लग रहा ना एकदम अमिताभ बच्चन जैसा। आप अमिताभ नहीं, ये दोनों मुझे गब्बर सिंह लग रहे हैं। सोचो चाचू, एक दिन आप घर में अकेले होंगे और वो दोनों टीले पे बंदूक लेके खड़े होंगे। वो आपको देखते हैं और आप उनको देखते हैं। अचानक गोली चलती है, धड़ाम। बस करना यार। चुप क्यों कराता इसे? ठीक ही तो कह रहा है ये। संता बंता बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं वो। अब तो यहाँ नहीं रहेगा, अगर वो जेल तोड़कर भाग निकले तो। बेटा तू भूलता था ना, तुझे शहर जाना है। तू शहर जा, शहर में तुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। अरे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। लेकिन भाई साहब, अगर शहर में कोई जानने वाला होता तो। हाय मेरे करीब का दोस्त, मैं उनका कार्ड आपको देता हूँ, ये लो। जी थैंक यू वेरी मच। तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो इनसे कांटेक्ट कर लेना। मुंबई आ रहा हूँ मैं। Thank you.
सर, मुबारक हो सर, एक बार फिर आपने देश के लिए कमाल कर दिखाया। वी आर प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू ऑफिसर। अब हमें किसी मुल्क से कोई खतरा नहीं है। वी हैव बिकम अ सुपर पावर। अब हम किसी भी दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सकते। यस सर। ऑफिसर, ये रही वो डिफेंस मिनिस्ट्री की अमानत जिसमें उस मिसाइल के बारे में सारी जानकारी है। एंड बी केयरफुल, ये किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। डिस्क हमारे हाथ में है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। कांग्रेचुलेशंस। एक्सलेंट। अब ये बताओ कि डिस्क कैसे और कब पहुंचाओगे? फिलहाल तो हर बॉर्डर पर रेड अलर्ट है। जैसे मामला ठंडा होगा डिस्क आप तक पहुंचाएगी। जिंदाल, जान से ज्यादा डिस्क की हिफाजत करना। माला माल कर दूंगा। और याद रहे, डिस्क को कुछ हुआ तो जान भी ले लूंगा। जेंटलमैन, एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसके बारे में अलावा मिलिट्री के किसी को कुछ पता नहीं। वहां से ऑपरेशन सुदर्शन के डिस्क का चोरी होना बड़े ताज्जुब की बात है। ऑपरेशन सुदर्शन? यस, हमारे लेटेस्ट मिसाइल प्रोग्राम का नाम है सुदर्शन। हमारे देश की सबसे ज्यादा लॉन्ग स्ट्राइकिंग रेंज की मिसाइल है जो 20,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसका पेलोड 200 किलोग्राम, एक्यूरेसी 98.55%। इसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। ब्लूप्रिंट्स और टेस्ट रिजल्ट्स दिल्ली भेजे जाने वाले थे। आप हमसे क्या चाहते हैं? हमें शक है कि इसमें हमारे देश के कुछ सिविलियंस भी इन्वॉल्व हैं। मिलिट्री सिविलियन एरियाज में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, इसलिए हम आपसे मदद चाहते हैं। सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, ये टॉप सीक्रेट है। अगर ये बात पब्लिक तक गई तो काफी गड़बड़ हो सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, यू विल गेट ऑल द कोऑपरेशन फ्रॉम माय बॉयज। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स जेंटलमैन आर इन दिस फाइल। अबे क्या कर रहा है यार, ये कुंडली है कोई हिंदुस्तान का नक्शा नहीं जिसमें तू अपना घर ढूंढ रहा है? ये बता, मेरी बेटी को वर कैसा मिलेगा? उसकी शादी कब होगी? शनि अत्यंत प्रचंड रूप से कन्या की कुंडली में विराजमान है। तू क्या बोला, क्या मतलब इसका? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी कन्या बचपन से ही हादसों में गिरी हुई है। कार में बैठती होगी तो कार का एक्सीडेंट हो जाता होगा। हाँ यार, सोफे में बैठती होगी तो धड़ाम से गिर पड़ती होगी। बिल्कुल सही, बहुत गिरी पड़ी है, मतलब बहुत गिरती पड़ती रहती है। अगर वो यहाँ होती तो तुझे अपना नमूना दिखा दी। ये वो तो नहीं। ये संभालो पंडित। हाय। अरे पंडित जी, उठो उठो। सॉरी डैड, मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था। पंडित जी सॉरी। चल ऊपर जा, चल। असंभव असंभव,
तुम्हारी बेटी की शादी संभव ही नहीं है, क्योंकि इसकी कुंडली की वजह से जिस बदनसीब लड़के की इससे शादी होगी वो महीने में 30 दिन अस्पताल में होगा। ऐसा मत बोलो, मेरी इकलौती बेटी अगर इसकी शादी नहीं हुई तो क्या सारी जिंदगी कुंवारी रहेगी? कोई उपाय बताइए ना, ताकि इसकी जिंदगी में से हादसे निकल जाए। एक उपाय है। क्या? जल्दी बोलिए। तुम्हारी बेटी की कुंडली से मिलती जुलती कुंडली वाला एक लड़का ढूंढो, उससे इसका विवाह कराओ, तो ये हादसे होने बंद हो सकते हैं। सच? कुछ बड़ी हीरू साई, ये मेरा लड़का नीलेश पंजवानी। क्यों, बड़ी देखने लायक चीज है ना? हाँ, अपने बचपने में जैसा देखा था वैसे है। बस वैसा है? बड़ी मतलब खूबसूरत, हैंडसम। तो छोड़ यार, धंधे की बात कर। क्या कर रहा था? वड़ी मैंने सोच लिया है, वॉशिंग मशीन पर स्पेशल नोट लगाओ, इसी वॉशिंग मशीन में सिर्फ रोशनी वॉशिंग पाउडर ही डाले। डैड, वेयर इज लड़की? चुप। यार मैंने भी एक फैसला किया है कि मेरी कंपनी का वॉशिंग पाउडर और तेरी वॉशिंग मशीन माइल की दुनिया पे राज करेंगे। डैड, चुप। लड़की क्या मांग रहा है? लड़की मेरा मतलब है बहू को देखना चाहता है। मतलब मेरी बेटी को? तुम उससे बोलना यार, रोशनी बेटी। डैडी, आपने तो कहा था कि हांगकांग से प्रिंस आएगा। ये तो कट पीस लगता है। देख बेटी, तुझको मालूम नहीं है, तू जिसको कट पीस कर रही है ना, वो हांगकांग की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी का इकलौता वारिस है। हाँ, अब सोच, वॉशिंग मशीन कंपनी का इकलौता वारिस, वहां का किंग, हम वॉशिंग पाउडर के बादशाह। ये शादी हो जाए तो मैल की दुनिया पे अपना राज हो जाएगा। मैल की दुनिया पे राज ही कराना था तो किसी धोबी के लड़के से मेरी शादी कर देते। मेरी मांग भरने वाला, मेरे सपनों का शहजादा, डैडी एक दिन चार्टर्ड प्लेन के आएगा। वो जहां भी जाएगा लोग उसे देखने के लिए टूट पड़ेंगे। वो जहां जहां जाएगा लोग उस पर फूलों की बारिश करेंगे। तेरी शादी अगर होगी तो पंजवानी खानदान में होगी, बस, एंड दैट्स फाइनल। अच्छा, ये आपका फाइनल डिसीजन है? हाँ। तो आप मेरा डिसीजन भी सुन लीजिए। अगर आपने मेरी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ कराई तो मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगी, एंड दैट इज आल्सो फाइनल। क्या बात करते हैं साहब, आपने दो दो डाकू पकड़ रखा है? फिर वो भी अकेले? अकेले? अरे निहत्ते। अरे साहब, हमारे लिए कितनी फख्र की बात है कि आप इसे महान आदमी हमारे गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। अबे कलुआ, गर्मा गर्म चाय पिला साहब। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं, हम थोड़ा बम्बई शहर घूमेंगे। अच्छा ये बताइए कि ताजमहल होटल कौन सी बस जाती? बस? अरे चाबी दे रहे। अरे साहब, ये लो टैक्सी की चाबी और अक्का बम्बई घूमो आप टैक्सी में। अरे एक तो साले बम्बई में ये बहुत प्रॉब्लम है, कोई झाड़ी नहीं दिखती आसपास। पूरा खर्चा बंद। इतनी रात के मेरे बंगले के बाहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे देखने आया था। चोर है? चोरी? What do you mean? चोर चोर। चिल्लाओ चिल्लाओ, वो देखो सामने वाली भी सुनेगा। चिल्लाओ चिल्लाओ। क्या ये टैक्सी किसकी है? मेरी है, क्यों? तो चलो। तो घर से भाग के कहाँ जा रही? माइंड योर ओन बिजनेस, गाड़ी पे कॉन्सेंट्रेट करो। मुझे लगता है कि आपके पिताजी ने आपकी शादी किसी गलत जगह पे तय कर दी, जहाँ पर आपको पसंद नहीं है ना। तुम्हें कैसे पता? हाँ, हर हिंदी फिल्म में यही तो होता है, और अक्सर अमीर लड़की की भागने की वजह यही होती है। ए मिस्टर, ये फिल्म नहीं, हकीकत है, समझे? हाँ, फिल्में हकीकत पेद होती हैं। अभी भी वक्त है, अपना इरादा बदल दो, तुम्हें पता नहीं जमाना बहुत खराब हो गया है। नो थैंक्स, अपना भाड़ा लीजिए और काइंडली शट अप हो जाइए, और ये एडवाइस किसी और को दीजिएगा। एंड हियर कीप द चेंज। क्या जमाना आ गया, एक तो शहर में से लड़कियां ऐसे भागती हैं जैसे हमारे गांव में कबेले में से गाय। अबे जा।
इंस्पेक्टर वर्मा, अचानक इतनी रात में? सर आपसे मिलना बहुत लाजमी था सर। सर आपको याद ही होगा कि एरिया 51 से डिफेंस की डिस्क चोरी हुई थी। यस। उसका पता लग गया सर। मैं आज ही उस डिस्क को वहां से निकाल लाऊंगा। यू नीड एनी बैकअप? नो थैंक यू सर, ट्रस्ट मी आई विल डू दिस जॉब। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पता लगाओ ये टैक्सी किसकी है। इस कत्ल का कोई ना कोई चश्मदीद गवाह जरूर होगा। साहब अगर बख्तावर को यह पता चल गया कि हमारे हाथ से डिस निकल गई है तो हमारा क्या होगा, आप सोच भी नहीं। क्या बात करो वीर बहादुर, तुम्हारी नजरों के सामने खून। अरे नजरों के सामने तो ठीक है, लेकिन मैंने उन लोगों को खून करते हुए देख लिया। हाँ? अब वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए, तो अब क्या करोगे? मैं तो पुलिस में जाके बता दूंगा। क्यों आग में हाथ झोंक रहे हो? ये तुम्हारे गाँव का थाना नहीं, शहर की पुलिस है। एक तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, गांव में सरपंच जी ने जो कार्ड मुझे दिया था, मैं वहां पे फोन लगाता हूं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। हेलो। हेलो, हाँ जिंदाल साहब हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ। जिंदाल साहब, मुझे आपके मित्र सरपंच श्री शुक्ला ने ये भेजा गांव से। जिंदाल साहब, क्या है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। उन्होंने कहा था कि शहर में अगर किसी भी किस्म की मुसीबत हो तो मैं आपसे मिलूं। इस वक्त नहीं, क्योंकि मैं भी खुद परेशानी में हूं। जिंदाल साहब, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट प्लीज मुझे मिल लीजिए। ठीक है, हॉलिडे मालूम है? जी नहीं मैम। नहीं तो किसी टैक्सी वाले को बोल दो, हॉलिडे छोड़ देगा।
मैं तुम्हें वहीं कॉफी शॉप में मिलूंगा। घेर लो इस गेस्ट हाउस को, वो लड़का यहीं कहीं होगा जिससे कत्ल होते देखा है। ए, कहाँ जा रहा है तू? मुझे मिसेज जिंदाल से मिलना है। सरपंच जी ने अपना कार्ड दिया था मुझे और कहा था कि सर आपसे कोई मिलने आया है। अकड़ कर ला उसे। विक्रम सिंह का तो पता चल ही जाएगा, लेकिन हमें जिंदाल को भी अरेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि आनंद वर्मा के मर्डर में उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। इसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास। सर हमें तो पता है ना कि आनंद जिंदाल पर वॉच रखते हुए मरा था। उससे क्या होता, उसकी लाश तो सड़क पर मिली, जिंदाल के घर पर तो नहीं, और फिर उसके बदन पर कोई गोली या चाकू का निशान भी नहीं। जब तक हमको विक्रम नहीं मिल जाता हम जिंदाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। और फिर जिंदाल एक कड़ी है, हमने जरा भी उस पर कुछ एक्शन लिया तो उसकी पूरी चैन अलर्ट हो जाएगी। और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है कि डिस्क उसके पास है या नहीं। सर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जिंदाल पर नजर रखो और देखो कि वो किन किन लोगों से मिलता है, एंड टेक केयर दैट ही डज नॉट लीव द कंट्री। हो सकता है डेस्परेशन में उसका एक भी गलत कदम हमें उसके गैंग तक पहुंचा दे। हेलो साहब, मैं लालू बोल रहा हूँ। मिला वो लड़का? नहीं, वो तो अपने गाँव ही नहीं पहुँचा, और वो लड़का तो बहुत बहादुर है, उसने अकेले दो खूंखार डाकुओं को पकड़ा है। क्या? हाँ, मैंने उसकी फोटो मुखिया से ली है, आपको फैक्स करता हूँ। लड़का गांव नहीं पहुंचा तो गया कहाँ? क्या सही है? हाँ बिल्कुल ऐसा साहब, यही आदमी है। सर ये रहा उसका स्केच। ओ, तो ये है वीर बहादुर विक्रम सिंह। क्या पता बताया था इसने? पता क्या, पता तो मैंने पूछा ही नहीं। हाँ? इतना बेवकूफ आदमी है, बिना पता पूछे गेस्ट हाउस में कमरा कैसे दे दिया? रेप केस में अंदर करा दूंगा मैं। नहीं नहीं ऐसा मत करना साहब। साहब वो कोई मामूली आदमी नहीं है साहब, उसने अपने गांव में दो डाकू पकड़े थे और जिला परिषद ने उसे सम्मान पत्र भी दिया था। साहब इतने बड़े आदमी से मैं भला पता कैसे पूछता। अच्छा बताओ कौन से जिला परिषद ने उसे सम्मान दिया था? साहब ये तो मैंने पूछा ही नहीं। इस तस्वीर की कॉपी हर पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस डेपो और एयरपोर्ट तक पहुंचा दो, और हिंदुस्तान के हर जिला परिषद से रिपोर्ट मंगवाओ कि हाल ही में किस जिला परिषद ने किस किस को सम्मान दिया। ए बटुकलाल, ये बेसुरा राग बजाना छोड़ो, जरा आराम से पियो, आराम से। आराम से? अरे मेरे कानों में तो राम नाम सत्य है, राम बोलो राम। चुप है, चुप। उसके गांव का पता ठिकाना सब मालूम है हमें, बस वहां से निकाल कर ले आने के लिए कोई जिगर वाला आदमी चाहिए हमें। सर आपका ये खतरनाक काम सिर्फ शिवा ही कर सकता है। ये शिवा कौन है? जब मैं वाइल्ड वेस्ट बार में बारटेंडर था, एक रात जब मैं अपनी ड्यूटी पर था, अचानक वो आंधी की तरह आया तरह शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, वो भी अपने शिकार की तरफ बढ़ा। लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।
भयानक वो शिवा बिजली की तरह उन लोगों पर टूट पड़ा। ए भाई ये तो बता, ये शिवा भाई मिलेंगे कहां? ये क्या करता भाई? जाओ शिवा का पता लगाओ। अरे एक मिनट, कभी नहीं। एक मिनट, एक्चुअली मैं वक्त से पहले आने वाला था, लेकिन हुआ क्या? कुछ काम निकल आया। एक साल से यही बहाना सुन सुन कर मैं पक चुकी हूँ। ज़बान का बकाना, मर्द का बच्चा हूँ। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। क्या? नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है प्यार में लोग क्या कुछ नहीं करते यार। हाँ, तुम्हें इंतजार करना पड़े ना तो पता चलेगा। मैं तो आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। ठीक है तो तुम इंतजार करो, मैं चली। अरे ठहरो, अरे अरे मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ता। छोड़ो। नहीं छोड़ो। नहीं, मैं आखिरी बार कह रही हूँ छोड़ो मुझे। तुम्हारी मर्जी, ठीक है लो छोड़ दिया। I'm sorry, sorry, darling. हाथ मत लगाना। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी हरकत करता है? अरे मैं तो गाड़ी खींच रहा था ऐसे ऐसे, वो तो तुम निकल खड़े खड़े हंस कह रहे हो, हेल्प नहीं कर सकते? अरे कैसे हेल्प करूँ, तुम्हें तो कहा था छोड़ना मत। बोलोगी कुएं में कूद जा तो कूद जाओगे? हाँ कूद जाऊंगा, लेकिन डूबूंगा नहीं, स्विमिंग जो आती है। पता नहीं किस दफर से पाला पड़ा है, पहले पता होता तो टाइम नहीं वेस्ट करती। क्या करें, हम चीज ही ऐसे हैं। ज्यादा भाव मत खाओ, ये मैं हूँ जो तुम्हें मुंह लगाया है। मुंह लगाया ना, अब गले भी लगा लो ना, जिंदगी के बारे एहसान मानूंगा, प्लीज लगाओ ना। अरे छोड़ मुझे, गले से लगा लो, छोड़ दूंगा तुम्हें। हाँ गले से लगा लो। यस माय फुट। अरे अरे रे 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 रे, आरटीओ वाले भी कैसे कैसे लोगों को लाइसेंस दे देते हैं। बेचारी स्कूटी 5 मिनट में 2 बार गिरी, और शाम तक कितनी बार गिरेगी है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? ए तुम चेहरा है, वो क्या ना, तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें छेड़ता रहता हूँ। Love you. Thank you.
मैं आशिक हूँ मस्ताना हूँ तेरी आंखों का दीवाना हूँ मेरी बाहों में दीवानिया के झूम तेरी चूड़ी हूँ तेरा काजल हूँ तेरी चाहत में ही पागल हूँ मेरी बाहों में दीवानिया के झूम 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 मैं सोनी हूँ मैं लैला हूँ तेरा प्यार यार मैं पहला हूँ मेरे होठों को दीवाने आके झूम मस्ताना हूँ तेरी आंखों का दीवाना हूँ मेरी बाहों में दीवानी आके झूम 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 देखता हूँ तुझे बेताब हो जाता हूँ सच कह रहा हूँ सनम ख्वाबों में खो जाता हूँ सुन के ये बातें तेरी जाने लगा है नशा मदहोशियाँ तेरे गालों से मैं खेलूंगा तेरे बालों से मेरे बाहों में दिल जानी आके झूम 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 मैं सोनी हूँ मैं लैला हूँ तेरा प्यार यार मैं पहला हूँ मेरे होठों को दीवाने आके झूम 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 तेरे झुमके से तेरे पायों से मैं लिपटूंगा तेरे आंचल से मेरी बाहों में दिल जानी आके झूम 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 मैं सोनी हूँ मैं लैला हूँ तेरा प्यार यार मैं पहला हूँ मेरे होठों को दीवाने आके झूम किस लिए ये दूरिया किस लिए लग जा गले से मेरे मजबूरिया किस लिए तेरे ख्वाबों में तेरी रातों में मैं रहती हूँ तेरी बातों में मेरे होठों का बसना दे आके झूम 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 मैं आशिक हूँ मस्ताना हूँ तेरी आंखों का दीवाना हूँ मेरी बाहों में दीवानी आके झूम 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 तेरी नींदों में तेरी आशिक हूँ मस्ताना हूँ तेरी आंखों का दीवाना हूँ तेरी बाहों में दीवानी आके झूम 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 मैं सोनी हूँ मैं लैला हूँ तेरा प्यार यार मैं पहला हूँ मेरे होठों को दीवाने आके झूम मैं आशिक हूँ मस्ताना हूँ तेरी आंखों का दीवाना हूँ तेरी बाहों में दीवानी आके झूम 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 मैं सोनी हूँ मैं लैला हूँ तेरा प्यार यार मैं पहला हूँ मेरे होठों को दीवाने आके झूम झूम हमें जिंदा साहब ने भेजा है वो आपसे मिलना चाहते हैं गुड शॉट मेरा नाम जिंदाल है गुजराल भी होता है तो क्या फर्क पड़ता हम तुम्हारे पास मदद के लिए आए हैं मदद चाहिए तो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में चाहिए यह काम किसी भी ट्रस्ट में नहीं हो सकता इस काम के लिए हम तुम्हें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं
कीमत की बात है तो काम बोलो। एक लड़के को पकड़ना है जिसने हमें एक पुलिस वाले का खून करते हुए देखा है। इस काम का 20 लाख रुपया लूंगा। मंजूर है। लड़के का कोई आता पता ठिकाना? यह उसका पता है और इसमें उसकी तस्वीर भी है। ठीक है, मेरे पैसे मेरे घर पहुंचा देना, तुम्हारा लड़का तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। हेलो भाई। हाँ? ये क्या है? अरे राठौर साहब सॉरी, मैं समझा ब्लाइंड एसोसिएशन वाले चंदा मांगने खड़े हैं। शट अप, मुझे बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? मुझे सुनकर आपसे मतलब? ए, मतलब है तभी पूछ रहा हूँ। मुझे सीधे से बताओ कि तुम जंदाल के यहाँ गए थे, कब गए थे और क्या करने गए थे? अंताक्षरी खेलने गया था। ए, देखो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, ये जंदाल का चक्कर एक दिन तुमको भारी पड़ेगा। हल्के काम करना हमारी आदत नहीं। ए, अगर मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त तुमको अरेस्ट कर सकता हूँ। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? तुम तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे, सौरव को हटा के क्रिकेट टीम के कैप्टन बनना चाहोगे, करिश्मा के साथ हीरो बनना चाहोगे, ऐश्वर्या के साथ शादी करना चाहोगे, सुष्मिता के साथ हनीमून मनाना चाहोगे। बाबू साजा, लेकिन तुम क्या समझते हो, तुम जो चाहोगे हो जाएगा? राठौर साहब पुलिस वाले हो, इतना तो जानते हो कि किसी को अरेस्ट करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। सबूत? सबूत? हाँ। वो भी मिल जाएंगे। क्या मैं तुम्हारी तलाशी ले सकता हूँ? श्योर। इधर इधर इधर। अरे इधर, अंदर 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 चेक कीजिए यार। हाँ? अरे अरे क्या कर रहे हो आप? अरे चेक कर रहे हैं, हाथ साफ कर रहे हैं यार। हाँ? अरे अरे कर कर क्या रहे हैं? मिल गया सबूत आपको? हाँ? आज तो तू बच गया है, लेकिन मेरी एक बात समझ ले, जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना, उस रास्ते पर ज्यादा देर चल नहीं पाएगा। अरे मेरी बात तो समझ ले। अबे अंधे, काला चश्मा पहनकर 2 कदम चल नहीं सकता, क्रिमिनल तक कहाँ पहुंचोगे? मुझे छोड़ो, अपनी सोच। नहीं, कोंकण रेलवे पूना साइड के जितने भी स्टेशन हैं, उन सबको इन्फॉर्म कर दो। यस सर। एंड ऑफिसर, यस सर, तुम अपनी पूरी टीम के साथ हमारे साथ चलो, हम सब बाय रोड जाएंगे। ओके सर। अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है? खड़की। अरे धक्का मत मारो। क्यों बे चिंदी चोर? अरे साहब तुम्हारी माँ की कसम, अरे मेरी माँ की कसम खा के बोलता हूँ साहब, मेरा बाप तीर्थ यात्रा को जा रहा था, उसके लिए बाजार से सब सामान खरीद के लेके जा रहा हूँ साहब। तेरा बाप तीर्थ यात्रा पे जा रहा था? हाँ साहब, शाम को 5 बजे की गाड़ी से जा रहा है चिंचपोकली स्टेशन से। चुप है, बहुत दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है तू, आज पकड़ा गया है। अरे साहब पुलिस की पकड़ से कौन बच सकता है साहब, जब तक आप लोग ऐसा ढील देते रहेंगे ना, मुजरिम ऐसे ही बचते रहेंगे। तेरा मतलब है हम ढीले? अरे ढीले क्या, सब एकदम ढीले। क्या? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, आप खुद बोल रहे हो। चुप बैठ, बहुत बोलता है तू। कौन बहुत बोलता है? जो ज्यादा बोलता है उसे गोली मार दो, फांसी में चढ़ा दो। ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कौन है? ये वही चिंदी चोर है सर, जिसकी रेलवे पुलिस को 5 सालों से तलाश थी। क्या, पिछले 5 सालों से? माय प्लेजर सर। फिलहाल तो इसे गोली मारो। और सुनो, बम्बई से एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम, मेरा मतलब है एक बहुत ही खतरनाक मर्डर केस का प्राइम विटनेस शताब्दी एक्सप्रेस में आ रहा है। पुलिस स्टेशन को सील कर दो, उसका हमारे हाथ लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके मिलते ही बम्बई के एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन की गर्दन हमारे हाथ में आ सकती है। और अगर उसकी गर्दन हमारे हाथ में आ गई साहब, ये मर जाएगा साहब। कौन ये? इसी तरह एक बार चांद शोभराज की गर्दन मेरे हाथ में आ गई थी, फिसल गई। मेरा पन तो यहाँ तक पहुँच गया था लेकिन निकल गया। साहब आपका कभी सुल्ताना डाकू से वास्ता पड़ा है क्या? सुल्ताना? बहुत ही खतरनाक डाकू थी।
थी साहब था वेल, नाम तो थी वाला था ना अरे भैया पुलिस में नई नई भर्ती हुई थी नया नया जोश था हाँ नया नया जोश था नई तरंग थी नई उमंग थी उसके घोड़े ने उसके समय छलांग लगाई साथ में मेरे घोड़े ने भी छलांग लगाई उसका घोड़ा पानी में गिरा और मेरा घोड़ा पत्थर पे गिरा क्योंकि मेरा घोड़ा पानी से डरता था काश मुझे पानी से न डरने वाला घोड़ा मिलता तो आज मैं कहां होता न जाने कितने डाकुओं को धोता कितनों को खोता कहां है ये कहां है ये वो तो भागे सर कोई बात नहीं उसे मैं बाद में पकड़ लूंगा लेकिन पहले हमें उस लड़के को पकड़ना होगा अगर वो निकल गया तो हमें पुलिस डिपार्टमेंट से निकलना होगा कमान 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 क्या तुमने इसे कहीं देखा है जी नहीं साहब सुनो हा? इसे देखा कहीं हा? अभी तो यहीं पे था पता नहीं कहां चला गया कर ले अरे जल्दी कर मेरे पाप बेटा मानिक राव ये छोकरा तो लॉटरी का टिकट लगता है अगर तू इसे अपने चक्कर में ले लिया तो उस बड़े आदमी से इसका सौदा कर सकता है माला माल हो सकता है अरे जल्दी कर मेरे पाप टाइम नहीं है मेरे पास यार भाई साहब चल मेरे साथ लेकिन आप है कौन वो सब मैं तेरे को बाद में बताऊंगा तू फिकर मत कर मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ भाई साहब देखिए मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ कुछ नहीं किया मैंने अरे वो तो तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है तू घबरा मत मेरे साथ चल मैंने दो दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया अरे मेरे बाप पहले तू इधर से तो निकल इधर से निकलेगा तो खाएगा ना मैं तेरे को खाना खिलाएगा बोल तेरे को क्या खाने का है एक चिकन तंदूरी ले आओ एक चिकन मसाला एक चिकन कढ़ाई और एक चिकन पुलाव और कुछ साहब अरे इतना सारा लिखा है पहले वो तो लेके आ मेरे बाप एक आदमी को पूरा किचन बेच देगा क्या और भी आदमी बैठे उनको देख वो देख मैडम सिर्फ समोसे पे गुजारा कर रही है उधर देख इधर देख उधर देख चल जाके लेके आ चल ओके सर कहाँ के रहने वाले हो मुंबई मुंबई के ऐसी क्यों फटी है तेरी मुंबई से बड़ा खतरनाक शहर है यार लेकिन तेरे को इससे क्या कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना अपन सॉल्व कर देगा सचमुच वैसे तुम भले आदमी लगते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं लेकिन लेकिन किसी को भी ये बात नहीं बताना यार आओ तुम जानते हो मैंने मुंबई में किसी का खून होते हुए देखा आओ तुम जानते हो खून करने वाले आदमी का नाम क्या है एस के जिंदा ये बात किसी से कही तो नहीं ना कहना भी मत क्यों वरना सारी जिंदगी कोर्ट कचेरी में बीत जाएगी बुढ़े हो जाओगे बुढ़े हाँ बात समझ में आ रही है हाँ आ रही है बात समझ में आ रही हूँ तुम खाना खाओ मैं जरा एक फोन करके आता हूँ हेलो हेलो जिंदाल साहब मैं मानिक राव बोलता है कौन मानिक राव वही मानिक राव जिसके पास वो लड़का है जिसकी आपको तलाश है कितना रुपया चाहिए सिर्फ 20 लाख रुपए ठीक है लेकिन उस लड़के के पास एक डिस्क है वो उससे लेना बहुत जरूरी है तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा आप रुपए तैयार रखो मैं उसको लेकर पहुंचता हूँ शताब्दी एक्सप्रेस से ए, ए, अरे अरे कहाँ जा रहे हो मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने के लिए जा रहा हूँ आइसक्रीम ठीक है आइसक्रीम खाओ भाई साहब दो आइसक्रीम देना और पैसे इनसे ले लेना ओए पहचाना नहीं कौन 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 है आप अरे उस दिन तो तुम्हारे कंधे पे पैर रख के उतरी थी हाय अंधे के कंधे पे पैर रख के उतरती हो शर्म आनी चाहिए तुम्हें
आपका नाम क्या है बहन जी? बहन जी माय फुट। कौन है ये? पता नहीं कौन है यार। अरे ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। रोशनी नाम है मेरा। सेठ गुज्जूमल हीरा नंदानी के घर की रोशनी हूँ मैं, और अंधेरा करके चली आई। पूछिए ना क्यों। हमें क्या लेना देना यार किसी और की जिंदगी। क्यों क्यों क्यों? वो जानबूझ के मेरी शादी किसी और के साथ करना चाहते थे, और आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मैं क्या करता? ये कर। ये क्या है भाई साहब? ये अब क्या कर रहे हैं? अभी कर रहा हूँ। ये लो लफड़े पे लफड़ा। इधर आप इंतजार कर रहे हैं कि शिवा उस लड़के को लेकर आपके पास आएगा, और उधर वो लड़का किसी मानिक राव की गोदी में बैठा है। अरे किस किस को पैसे दूंगा मैं यार, हैं? और इधर लोगों में उस लड़के को लेकर कौन बनेगा करोड़पति कॉन्टेस्ट चालू हो गया है। अरे हमें उससे क्या लेना है? वहां सही जवाब देने वाले को इनाम देते हैं, हम लड़के को लाने वाले को इनाम दे देंगे। ठीक है, इसको लॉक कर दूं? कॉन्फिडेंट? मेरी माँ, मेरी बात सुनो यार। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे कैसे नहीं सुनना है? अरे तुम्हारी वजह से तो मैं फंसी हूँ। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। अच्छा, मेरी वजह से तुम फंसी हो? ए, हाँ बोलो जाओ। मेरे को एक फोन करने का है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। मेरी बेटी अपनी किसी सहेली के घर में जाके छुप गई है, और समझती है कि मैं परेशान हो रहा हूँ। उसको मालूम नहीं कि मैं भी उसका बाप था, नहीं मैं तब हूँ। मुझे परेशान होने की नहीं बल्कि परेशान करने की आदत है। अब देखना तू। हेलो हेलो, परेशान स्पीकिंग। अरे नहीं मैम, नाम क्या? मैम हीरा नंदानी स्पीकिंग। अरे बुढ़े अपना नाम भी भूल जाता है तू। हीरा नंदानी से मुर्दा नंदानी बना दूंगा। और से सुन, तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। हाँ? अबे घोड़े की तरह हूँ हूँ क्या करता है? उसको लेके शाम को पहुँच रहा हूँ ट्रेन से। 25 लाख रुपए लेके स्टेशन पहुँच जाना। चले 25 लाख। 25 लाख गिनना आता है क्या? अबे मैं तो तेरे को भी गिन डालूंगा 3.5 के भाव में। ज्यादा बात मत कर। और से सुन, शताब्दी एक्सप्रेस शाम 5:30 बजे। 26 मर्डर कर चुका हूँ, 27वां मर्डर तेरी छोकरी का भी कर सकता हूँ। अरे ऐसा? और 28वां मर्डर तेरा करूंगा, समझा के नहीं? मैं तो भूल गया था। हेलो हेलो हेलो, अबे फोन रख दिया क्या? पैसा डालने को नहीं क्या फोन के अंदर? हेलो, क्या मुसीबत है यार? मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। मुंबई की पुलिस मेरे को 25 बरस से ढूंढ रही है। 26 मर्डर कर चुका हूँ। अगर तुम दोनों ज्यादा होशियारी किए ना, तो 27वां और 28वां मर्डर तुम दोनों का करूंगा। 27वां 28वां, वो जो भी है ठीक है ना? अब जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करने का। चल पलट। अरे अबे दे, बोला ना मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। अबे ये तेरे किस काम की चीज है? ये मेरे बहुत काम की चीज है मेरे बाप, ज्यादा शानपति नहीं करना। चल चल, चलो जल्दी चलो। अब इस जंगल में से कहां लेके जा रहे हैं? पुलिस तेरे पीछे पड़ी है ना, शॉर्टकट से रेलवे स्टेशन ले जा रहा। ये भी कोई शॉर्टकट है? अरे ये जंगल का शॉर्टकट है। ये डिस जिंदाल को देकर जिंदाल से पैसा वसूल करूंगा, इसको इसके बाप को देकर इसके बाप से पैसा वसूल करूंगा। मुझे मेरे डैडी के पास मत लेके जाइए, मैं आपको और पैसे दे दूंगी। तू कहां से पैसे देगी? मैं अपने डैड से मांग लूंगी। अरे तो तेरे को मैं तेरे डैडी के पास ही लेके जा रहा हूँ, मेरी माँ। आप ऐसा करो, वो डिस्क लो, जाके जिंदाल साहब को दे दो, उस लड़की को जाके उसके डैडी के पास दे दो। मुझे जाने दीजिए भाई साहब प्लीज, मैं गरीब आदमी हूँ, ये घटिया काम मेरे पास की बात नहीं, समझ गए ना आप? तेरे को ये घटिया काम करना ही पड़ेगा, ज्यादा बात मत कर। डैड बोलते हैं फिर मम्मी बोलते हैं, बोल क्या रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन्फॉर्मेशन गलत थी, वो लड़का इस ट्रेन में है ही नहीं। सर जी, मालिक राव तो आया नहीं। नहीं आया ना? नहीं। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको पेंसिल की तरह छील डालूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, उसके टुकड़े कुत्तों को खिलाऊंगा और कुत्ते बिल्लियों को खिला डालूंगा। ठीक है, मैं बोल के आता हूँ। किसको बोल के आता? पुलिस को। उल्लू का पट्टे बात पुलिस को बोलेगी है? मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में डालेगा तो फिर क्या करें? सुन, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी तरह गुंडा गुंडे को काटेगा। सब अखबारों में एक इश्तेहार दे दे कि हमें किलर, किडनैपर और शूटर, ये सारी खूबियां एक आदमी में चाहिए। आज ही दे देता सर। बिकने वाले अखबार में देना। जिंदाल साहब, स्टेशन पर ना मानिक राव है ना वो लड़का। व्हाट? आहा हा 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 हा।
लगता है मैं मर के स्वर्ग में आ गया हूँ। भगवान, मैंने ऐसा क्या काम किया? अरे हाँ, बांद्रा स्टेशन में मैंने फकीर को 1 रुपया दिया था, उसकी दुआ लगी मेरे को। हाँ भगवान, तू भी अजीब है भगवान। सेठ जी, मेरा दिल धड़क रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है। आपका न्यूज़पेपर का ऐड पढ़ पढ़ के पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से गुंडे बदमाश इकट्ठे हो गए। मेरी समझ में नहीं आ रही है, गुंडे बदमाशों को ले जाके अपनी बेटी को ढूंढोगे? अबे उल्लू के पट्टे, ये काम सिर्फ गुंडे ही कर सकते हैं, शरीफों के बस की बात नहीं है। और मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो वक्त पड़ने पे मेरे लिए जान दे सके और तेरी जान ले सके, मतलब मेरे दुश्मनों की जान ले सके। और बिजट आगे के चल रहा है, बोर कर रहा है। सर मेरा दिल धड़क रहा है। धड़कने दे, चलो जी इंटरव्यू शुरू करो। अबे ओ नचनिया, ये झींगा और लाला तो ठीक है, इससे पूछे कर क्या सकता है? ए बताओ। क्या बोला सर? सर ये कह रहा है कि इसने तीर आप ही को मारा था, गलती से फोटो को लग गया। मुझको मारा था, गलती से लग गया? उल्लू का पट्टा, निकल बाहर, बाहर निकल उसको। अरे आप, ए, निकल, ए, चल बाहर निकल, बाहर निकल। अब बेटा तू आ, तेरे को निशाना बनवाता हूँ मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। नेक्स्ट। वेरी गुड, यही करते रहे। तू हाई हुई करता रहेगा, कोई गोली मार देगा तू वहीं मर जाएगा। अरे कौन है, इसको बाहर निकालो यार, टाइम नहीं है, चल बाहर निकल। नेक्स्ट। नाम है मेरा शंभू शिकारी, जानवरों का नहीं इंसानों का शिकारी। अब तक 4 मर्डर कर चुका हूं। क्या है? सुना है आपको नमूना देखने का बड़ा शौक है, तो अभी नमूना दिखाता हूँ। दिखाओ। वो सेब देना। अबे ओ फर्नीचर, उसने सेब मांगा, अंगूर क्यों दे रहा है? देने तो मुझे, आजकल ये चल रही है। छोटा आदमी, अंगूर भी चलेगा। ये अंगूर आपके सर पे रख देता हूँ, गोली चलेगी, अंगूर उड़ जाएगा, खोपड़ी को कुछ नहीं होगा। फसला सर। पहले तुम्हारा निशाना कभी चूका तो नहीं है भाई? 4 मर्डर में से 2 मर्डर निशाना चूकने की वजह से हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नमूना नहीं देखना। देख लीजिए सर। अबे चुप, मुझे नमूना नहीं देखना। नौकरी पक्की? अरे वाह, ये तो जबरदस्ती है, अगर मैं इनकार करूँ तो निशाना दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम्हारी नौकरी पक्की पक्की। पत्थर टूट जाएगा लेकिन तुम्हारी हथकड़ी नहीं टूटेगी। चुपचाप बैठना। ए तू चुप बैठ, मनु कहीं का, जब से मिला तब से मेरा बैड लक चल रहा है। मेरी वजह से हो गया सब। तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया हूँ मैं। उस रात मेरे सर पे कूद गई, ना तो मेरी टैक्सी में बैठती, ना मैं टैक्सी इतनी दूर चलाता, और ना ही उस रात मैं ये मर्डर देखता। What murder? उस रात जिंदाल ने एक आदमी को मार दिया और वो मेरी गोद में आके मरा है। मैं उस मर्डर का आई विटनेस बन गया, तब से पुलिस और गुंडे दोनों मेरे पीछे पड़े। पता नहीं कौन कब गोली मार दे कहां से।
जब मुसीबत आती है तो अपने खानदान को साथ लेकर आती है। आप अपनी व्हीलचेयर मंगवा लीजिए और मैं अपनी अंतिम यात्रा का कॉन्ट्रैक्ट देकर आता हूँ। क्या बक रहे हो तुम? अरे मैं बकता नहीं हूँ, बोलता हूँ। अगर बक्तावर को वो डिस्क नहीं मिली ना तो गोली मार मार कर हमसे डिस्को करवाएगा और उधर पुलिस डंडे मार मार कर डांडिया खेलेगी, समझे? तुम अपना ये मनहूस मुंह बंद रखा करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं शिवा को खबर कर दूंगा कि वो लड़का विक्रम खड़की स्टेशन पर देखा गया था। ये लो, एक पैर कबर में है और दूसरा केले के छिलके पर रख रहे हैं। अगर शिवा को मालूम हो गया ना कि हमने किसी मानिक राव से भी डील की है तो हमारी हालत तो वो बबन राव जैसी कर देगा। ये बबन राव कौन है? उसकी एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर नहीं है। तो फिर बबन राव क्या है? वो सिर्फ नाम रह गया है। अभी सोच लो कि नाम चाहिए या शरीर भी चाहिए। शिवा को उतना ही पता चलेगा जितना हम बताएंगे। मैंने तुम्हें कहा था ना फोन मत करना। अरे खबर ही इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैंने। ठीक है बता। आखिरी बार उस लड़के को खड़की स्टेशन पर देखा गया था, इसके बारे में पुलिस को जानकारी हो चुकी है। इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचे तुम्हें उसे ढूंढ कर निकालना होगा। ठीक है। इस थाने का इंचार्ज कौन है? हैं? भाई साहब मैंने पूछा। ए! जब तक तेरे को बैठने को बोलेगा नहीं तू बैठेगा नहीं। ये साला पुलिस स्टेशन है। एसीपी राठौर, स्पेशल इंचार्ज ऑफ विक्रम सिंह केस, क्राइम ब्रांच मुंबई। बैठ ही जाता हूँ। एसीपी साहब, साहब जी, साहब जी, मेरे को माफ कर दो, सारी मेरे को माफ कर दो साहब जी। मेरे को छोटी छोटी बीवी है, मेरे को बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरे जवान माँ बाप उल्टा हो गया। साहब जी मेरे को बीवी है, बच्चे है, बूढ़े माँ बाप है, मेरे को माफ कर दो साहब जी, मेरे को माफ कर दो। थाने को सलून बना कर रखा है, वर्दी उतार के वो हालत करूंगा तेरी कि खुद झाड़ के नीचे कुर्सी और आईना लेकर बैठे रहोगे। साहब जी मेरे को सस्पेंड मत करना, साहब जी नको करना सस्पेंड, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा साहब जी। ओ शराब, तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। साहब जी, ओए 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 ओए, क्या कर रहे हो तुम यार? अच्छा एक बात बताओ जी, विक्रम सिंह की केस की क्या पोजीशन है? साहब जी ये देखिए, लास्ट टाइम उसे यहाँ पूना के पास खड़की में स्पॉट किया था। इन तीनों नाकों पे अपना पूरा फोर्स तैनात है, अब वो बच के कहीं नहीं जा सकता सर। बेवकूफ गधे हो तुम। अरे साहब जी आपको भी मालूम पड़ गया है? हाँ मालूम पड़ गया है। अच्छा सुनो जी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो लोग गोवा की तरफ बढ़ गए और आपने अपनी फौज पंचकिनी में रखी हुई है, वहां से हटा दो और गोवा की तरफ भेज दो, समझे? ठीक है सर, मैं अभी वायरलेस करता हूँ। और एक बात और, उनको पता चल गया, यानी क्रिमिनल्स को पता चल गया कि मैं इस केस में हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे इनाम के किसी दूसरे आदमी को मेरी जगह रखा हुआ है। ये रही उसकी फोटो, ठीक से देख लेना और देखते ही अरेस्ट कर लेना। ओके सर, मैं इसको छोड़ेगा। चलो ऐसे कर, तेरा बाप यहाँ पर होता ना सचमुच तेरा गला घोंटते। Just mind your business man। सुन, चुपचाप जाके हथौड़ी खुलवा लियो, वरना जो नेक काम तेरे बाप ने किया ना वो मैं कर दूंगा, समझ गई ना? Shut up। और ये मत किया कर दादा। मत करो। चल दादा खोल। मैं क्यों खोलूँ? तू खोल। ओके। हाय, ये रियल गन है? चुप। माफ करना भाई साहब, मुझे लगता है हम गलत पते पे आ गए। चलो तुम बिल्कुल सही पते पर आए हो मिस्टर विक्रम। मतलब? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप हैं कौन भाई साहब और मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? एसीपी राठौर, एक मर्डर केस के तहकीकात के सिलसिले में तुम्हें मुंबई ले जाने आया हूँ। सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये हथकड़ियाँ खोलिए और इसे प्लीज यहाँ से ले जाइए। सर ये भी अपने घर से भाग के आइए, इसे भी आप मुंबई लेके चलिए। तो क्या हुआ सर, घर से भागना कोई जुर्म है क्या? मगर गुमराह लड़कियों को उनके घर तक पहुँचाना पुलिस वालों का कर्तव्य है, उनका फर्ज है, इनके काम में दखल मत दो। शट अप। ओ शट अप। ओ शट अप। लड़का मेरे पास है, लेकिन उसे कब कहाँ कैसे पहुंचाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक साहब
बाहर वैन में बैठे हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन सुन भी रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। क्यों साहब, आप क्या समझते हैं मेहनत मैं करूंगा और मलाई आप खाएंगे? सही बात विक्रम सिंह की, उसे जहां पहुंचाना है मैं वहां पहुंचा कर रहूंगा। शराफत का तो जमाना नहीं रहा आजकल, अच्छा होता मैं उसको वहीं छोड़ देता। मैं तो उसकी मदद कर रहा था, मैं उसको अपनी टैक्सी में बिठाकर अस्पताल ले जाने वाला था। जब तुम आनंद वर्मा से मिले तो मरा हुआ नहीं था? निजाम मरा हुआ तो नहीं था। क्या कहा उसने तुमसे? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ वो एक डिस्क दी थी उसने मुझे। कहाँ है वो डिस्क? वो मानिक राव खुद ही ले गए, सामान भी ले गया, डिस्क भी ले गया, सब कुछ ले गया। कौन है मानिक राव? मानिक राव वो है सर जो मुझे खड़की स्टेशन ले मिला। अब कहाँ मिलेगा? मजा आ गया, लकी डे। यहां बैठा है, मैं भूखा प्यासा कुत्ते की तरह इसको ढूंढ रहा हूं और ये यहां पे बैठ के आराम से खाना खा रहा है। नहीं छोड़ूंगा इसको, इसकी गाड़ी, मैं इसकी गाड़ी की वो हालत करूंगा कि ये साला यहां से भाग ही नहीं सकेगा। वाह एसी पे राठौर, क्या आइडिया आया है। खुल जा। इसकी गाड़ी का वो हाल करूंगा कि इस इलाके का क्या दुनिया का कोई मैकेनिक भी ठीक नहीं कर सकेगा। चल की कर रहे भाई साहब? एक मिनट। चोर, वो पिछले 2 महीने से मेरे को तेरी तलाश थी, वो मेरे हाथ में तू अब आया है। मेरे ट्रक का सामान चोरी कर करके तूने उसका ऑटो बना दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। बोले सोनिया। सत श्री अकाल। पुलिस ऑफिसर को मारा, मेरे को मारा। ओए खोते दे पुत्र, जूते गाओ और जीते रहो। यू स्टॉप इट, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, एसीपी राठौर। एसीपी राठौर तो ये मैं। आईडी कार्ड है? है। ये रहा मेरा आईडी कार्ड। ओ ये क्या, ये तो हेलमेट है यार। यू मीन टू से सेफ्टी वाइल ड्राइविंग? हाँ आई कार्ड इसे कहते हैं। ये मेरा आईडी कार्ड है। तुम्हारा आई कार्ड है? फोटो किसका है? फोटो तुमने चेंज किया है। तो फिर कैसे हो सकता है? सलाम साहब। देखा मेरे को सलाम कर रहा है। अरे तेरे को कौन सलाम करेगा, मैं तो साहब को सलाम कर रहा था। सलाम साहब। क्या बात कर रहा है? मैं एसीपी राठौर। अरे बकवास बंद करो सर। अरे ये हाथ नहीं उठा रहा पुलिस पे। पांडे जी वही है। हाथ नहीं है, डंडा। सर जी बड़े दिनों से डंडे का यूज नहीं किया था, आज मौका मिला। राजू करा दूंगा मैं। कब से तेल पिला पिला के रखा डंडे का? बच्चे तेल मैं तेरे को पिलाऊंगा घास लेकर। अबे सर जी पुलिस फोर्स में काम करने का फायदा ही ना, किसी की धुलाई ना करो। तो सर आप जाइए मिशन पे, मैं देखता हूँ उसको। पकड़ के रखो, अब चलो चलो चुप। जा रहा पकड़ो इसको, ये है। अरे लेकिन हम जाएंगे कैसे? भाई साहब एक काम करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं आपको ले जाता हूँ। अच्छा आइडिया, गुड आइडिया। सर इसने गाड़ी चलाने लायक छोड़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें छोड़ दीजिए। अच्छा दूसरा वो इंतजाम हो जाएगा। चलो अबे ओगी जुमल, अब तक मैं 200 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, इसके आगे मैं 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, मैं किलर हूँ। किलर मैं किलिंग करता हूँ, समझा? मेरे साथ रह के तेरे को किलिंग किया? ड्राइविंग, कुकिंग, क्लीनिंग, शेविंग, जितने भी चीज में इंग आता है वो सब इंग तेरे को करना पड़ेगा। मेरे से एडवांस लेने के बाद तू किलर नहीं रहा, नौकर हो गया है। इसलिए स्टीयरिंग पकड़ और निकल, और क्या कर? ड्राइविंग। अबे चल चिरकुट, तू जैसे टुच्चे मुच्चे चोर की वजह से मुझे इन जंगलों में घूमना पड़ता है।
जानता है तेरे जैसा एक टुच्चा चोर मेरा पड़ोसी था, उसने चोरी की और उसकी वजह से मेरा ट्रांसफर हो गया। जानता है उसने क्या किया? मुझे माफ कर दीजिए, देखिए मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन कहानी मत सुनाइए। पिछले 2 घंटे से आप मुझे पका रहे हैं और मैं पकना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से पुलिस स्टेशन ले चलिए। साफ साफ देखिए 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 वो बस आ रही है, वो बस आ रही है। रोको बस रोको, अरे मुझे साफ से बचाओ। ये अबे क्या था? रोको रोको भैया रोको, ये मर जाएगा। रोको रोको पागल फिर से आ गया। चल चल अंदर, चल बैठ बैठ जा। ए गंगाराम, मुझे देखकर चेहरा छुपा रहा है? नहीं, मैं खबरें पढ़ रहा हूँ। अरे खबरें पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं बताता हूँ ना। मैं ताज़ा खबरें पढ़ रहा हूँ। सुन, हमारे देश में सरकार बन चुकी है, बाजू के गांव में पुल गिर चुका है, चना महंगा हो गया है और सोना सस्ता हो गया है, और क्या सुनेगा बोल। थैंक यू। अरे सुन यार, उसमें कोई नया ग्राहक है क्या? आज तो सब पुलिस वाले ही हैं। अच्छा, पहचान करवाना है? मिल लीजिए ना, सब तो हैं इधर। एसीपी गाइटोंडे सर, और आप? एसीपी राठौड़। कहाँ से सर, कहाँ से? काला चौकी। काला चौकी, माय गॉड सर, क्या बात है सर, क्या बात है। 2 साल मैंने वहाँ 2 साल काम किया सर। कैसे हैं अपने भाई लोग, कैसे हैं सर? सब अच्छे हैं। सावन जी क्या कर रहे हैं? सावन जी ठीक है। और वो सुधीर है? सुधीर, सुधीर भी है। और खुरदुड़े खान साहब, उनका क्या हुआ सर? उनका ट्रांसफर हो गया। होना ही चाहिए था, कितनी बकवास, बक 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 24 घंटे बक बक उनकी चालू रहती थी। उनका तो ट्रांसफर, अरे उनकी बातें सुनकर मैं बोर हो जाता था। ओ पांगे, पांगे का क्या हुआ? पांगे पागल हो गया। होना ही था, कितना काम करता था सर, 24 घंटे बस काम 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 काम। अरे मैंने कहा पुलिस की तरह काम करो भैया, इंसान की तरह नहीं, लेकिन बस मानेगा ही नहीं। अरे वो उनका क्या हुआ, वो भगवान के आदमी मल्होत्रा साहब, वो कैसे हैं सर? वो भगवान के पास पहुंच गए। कैसे? उनका खून हो गया। मर्डर? खून? किसने किया खून उनका? इसने किया। मर जाएगा, आप सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड नहीं होना है मुझे, सस्पेंड। मल्होत्रा जैसे भगवान के आदमी का खून कर डाला। आप दूसरे के कैदी को छोड़िए, अपने कैदी पर ध्यान दीजिए ना। मेरा कैदी भाग गया, इसमें ये तीसरा कैदी है जो भाग गया। अभी आपको कोई नहीं बचा सकता। मर गया मैं सर। आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। मैं कैसे बचा सकता हूँ? आपको थाने चलना पड़ेगा। थाने? मैं थाने नहीं चलूंगा। नहीं सर, आपको थाने चलकर वहाँ बयान देना पड़ेगा कि किन इमोशनल हालात में मेरा कैदी मुझे भाग गया है सर। नहीं नहीं, मैं थाने वाने नहीं चलूंगा। नहीं, आपको थाने चलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कैदी मुझे वापस ला कर दीजिए सर। ठीक है, कैदी वापस ला कर दूंगा, थाने नहीं चलूंगा। ड्राइवर पाटिया बदल दो और गाड़ी घुमा लो। वाह, ये जगह भी वही है और आदमी भी वही है। मुर्गी के मुझे छोड़कर भागता है, जान से मार डालूंगा। अबे तू क्या कर रहा है, कपड़े सुखा रहा है या कपड़े बजा रहा है? अरे कपड़ा सूख गया तो मेरा सर दबा दे। देखिए, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किलर हूं, नौकर नहीं हूं। मैंने किलिंग के पैसे लिए हैं, क्लीनिंग के नहीं। नौकर समझ रखा है आपने? कपड़ा फेंक के मारा तेरी तो हुई। शिकारी मैं हूँ, आप नहीं। हाँ देखिए, मेरा एम कैसे बराबर लग गया, आपका ऊपर से चला गया। आज तक मैंने कितने जानवर मारे हैं? शेर, भालू, गोरिल्ला पे खांसी आ गई।
अबे आहिस्ता, आदमी के बंदर है और कन्नारी सरदबाज। अबे हाथ में लोगा लगा है क्या तेरी? तेरे इतने बाल कैसे आ गए? अरे तेरे चेहरे का डिजाइन कुछ बदल गया है, बहुत बाल है यार। अबे तूने कुछ खा तो नहीं लिया बीच में? तालियां बजा रहा। अबे देख क्या रहा है? अबे गोली चला। नहीं आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। मैं बोलता हूँ आगे नहीं आना। मैं बंदूक चलाऊंगा, मैं बंदूक चलाऊंगा। धड़ाम, गोली नहीं चल रही है। तो उल्लू के पटे वो गन नहीं है, गन्ना गन्ना है। अब नहीं छोड़ूंगा, अब क्या करूं? आए नहीं है। अरे तू, मैं भी आया जी, मैं भी आया। दोनों पानी में डूब के मरते हैं। अबे संभाल, दुनिया का पहला शिकारी जिसे बंदर के हाथ में बंदूक दे दिया। चल चलोगे, चलोगे। अरे रुक जा, अबे चुप। अबे अबे जाते हैं साइड में। अरे अरे इतनी जल्दी क्या है? बंदा। हाँ संदा। क्या तू वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? हाँ। हमने सोचा था हम जेल तोड़ के मुंबई जाएंगे, एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। हाँ। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी देख, जिसने हमें जेल भेजा उसी को सामने भेज दिया। हाँ संता, अब तो इस कमीने को परलोक पहुंचा कर ही मुंबई जाएंगे। Come on, follow me. Follow you. तुझे नहीं छोड़ूंगा, सारी कहानियां दोबारा सुनाऊंगा और तू भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान तुझे उठा ले। जा रहा था। Your game is over. खेल खत्म, पैसा हजम। अरे तुम तो कुलपहाड़ थाने के मेहमान थे। कुलपहाड़ थाना? क्या हालत हुई थी मेरी वहां पर। मेरे पोस्टर लगा दिए वांटेड के, इसलिए जितने ऑफिसर्स थे वहां पे मैंने सबको सस्पेंड करवा दिया। और अब तुम्हारा इनकाउंटर होगा। मैंने पिस्तौल इसको लगाई, ये पीछे से पिस्तौल कहां से आई? इसको लगाई, आपने आपको लगाई। कैसा अजीब आदमी है, मुंह खोले बिना ही हंस रहा। बंदूक फेंक दे वरना तेरे खोपड़े का एनकाउंटर हो जाएगा। फेंक क्या दूं, उसने ऑलरेडी ले लिए। सर मैं एसीपी राठौड़ हूँ। अच्छा, अगर तू एसीपी राठौड़ है तो ये क्या रामन राघवन है? सर आप पागल हो गए हैं, मैं आप ही की बिरादरी का हूँ। खामोश, अपने आप को मेरी बिरादरी में मिला रहा है? अबे चंबल घाटी से भगाए हुए सिगरेट के डाकू। सर मैं डाकू नहीं हूँ। तो तू क्या अपने आप को शक्ति कपूर समझता है? हाँ, मेरी माँ भी यही कहती थी कि मेरी शक्ल उसे मिलती है। अबे चिरकुट, शक्ति कपूर के डुप्लीकेट, राजा बाबू के चड्डी नाड़े, इना मीना डिका के टेढ़े मेढ़े भिंगे, ललिता ललिता के लल्लू, अरे इनके जैसा जाबाज ऑफिसर इंग्लिश फिल्म में भी देखने नहीं मिलेगा। सर ये ऑफिसर नहीं है, चीटर है, चीटर। 5 मिनट में इन्होंने मेरे भागे हुए कैदी को पकड़वाया था। सर आपकी वजह से मेरी वर्दी उतरने से बच गई। सर मैंने वर्दी नहीं पहनी ना, इसलिए आप मेरे को पहचान नहीं रहे। वर्दी की बात कर रहा है सर, ये वर्दी की बात कर रहा। इसके बच्चे कुचे कपड़े भी उतार दूंगा, इसे नंगा करके नंगा पर्वत पे खड़ा कर दूंगा। क्या बात है, I'm proud of you. Thank you sir, thank you. एक बात, मैं मिशन में जा रहा हूँ। Yes sir. तुम इसे संभालना। बंदूक। और हाँ एक बात। Yes sir. इसे कहानी सुना सुना कर ऐसे पकाना कि ये अपने आप को एसीपी क्या हवालदार भी कहने से डरना चाहिए। I'd love to do that, चाहिए। और बर्बाद कितना करोगे? बर्बाद तो आप होंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। सर दर्द की गोली है। बाय। All the best sir, all the best. वो जा रहा है सर, उसको रोको। पहले मेरी कहानी सुनो। 1947 में चंबल की घाटी। तू पैदा होता मर क्यों नहीं गया? उसको रोको।
I'm sorry, kids. I got a sore throat. Come on! We saw! Oh, all right. But don't shout. Boom! गाड़ी चला रहा, घोड़ा गाड़ी चला रहा है। खच्चर, गधा, नमक। मैंने भी किस गधे को हायर कर लिया। एक तो इतने दिनों बाद बेटी मिली, वो पता नहीं कहाँ चली गई। ऊपर से गाड़ी खड्डे में डाल दी। अब तेरा बाप निकालेगा? सेठ जी, एक काम करते हैं। हार्डवेयर स्टोर से एक रस्सी लाते हैं और गाड़ी खींच के बाहर निकालते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छेदालाल जी, छेदालाल जी, शिवाय। हाँ छेदालाल जी, ये बात है भाया, जल्दी घर चलो। क्यों? थारी माता जी को देहांत हो गया है। क्या? मारी माँ? हाँ। मारी माँ? हाँ। मन्ने छोड़ के चली गई। अरे मारी माँ, थारे बदले मैं क्यों नहीं चले गयो? अरे थारो भाई, थारो। ये
अचानक अंधेरा कैसे हो गया? मुझे लगता है अचानक रात हो गई। अबे गधे, अचानक कभी रात नहीं होती है, शटर गिराया है। और अच्छा अच्छा मत बोल, अच्छा बोलने से मेरे को चीड़ होती है। अच्छा अच्छा अबे क्या खिड़की में झांक रहा है? अबे तू इधर है कि नहीं है? मैं हूं ना। अबे तेरे काय के साथ में ना? अबे की मोमबत्ती ढूंढ, अंधेरा है। मोमबत्ती 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 मिल गई। चलो मोमबत्ती मिल गई। ये मोमबत्ती इतनी हार्ड क्यों है? ये हार्डवेयर स्टोर है ना, इसलिए हार्ड है। अच्छा माचिस तो निकाल। ये कैसी मोमबत्ती है? इसमें से तो फुलझड़ी की तरह चिंगारियां निकल रही हैं। मेरे ख्याल से आपके हाथ में मोमबत्ती नहीं है, डायनामाइट है। डायनामाइट तो बहादुर आदमी के हाथ में होना चाहिए। हाँ, वो तो है। तो इतना बहादुर है? नहीं नहीं, मैं बहादुर नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैंने बहादुर तुम कभी ऐसे तो न थे? ऐसा हो गया हूँ। अच्छा मुझे कुछ नहीं हुआ। और आप लोग जानते नहीं कि आपने किसको बचाया है? एक मिस इंडिया को और एक सन ऑफ इंडिया को। सन ऑफ इंडिया? इन्होंने अकेले दो खूंखार डाकू को पकड़ के जेल में डाल दिया। डाकुओं को? हाँ, यकीन नहीं आता आप लोगों को? फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। मैं फोटो दिखाऊंगी। दिखाओ। ये देखिए डाकू, ये देखिए। एक्चुअली वो क्या है ना भाई साहब, ये जो फोटो, हाँ कोई बात है, कोई बात है। ये देखिए भाई साहब, ये मेरी तस्वीर है। और इन दोनों को देखिए, कमीने लुच्चे लफंगे, शक्ल से बदमाश लगते दोनों के दोनों। मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ भाई साहब, लेकिन मैंने इन दोनों कमीनों को इतना मारा, इतना मारा कि अभी तक जेल में इनकी हड्डियां दर्द से चीख रही होंगी भाई साहब। अच्छा अच्छा। अब भाई साहब, अरे पकड़ेंगे भाई साहब की गर्लफ्रेंड? पकड़ गया? नहीं, मेरे पास है। फेंक दिया। पकड़ी आप इसको, अंदर रखो, अंदर रखो इसको। ये देखिए, अरे इन दोनों की शक्ल तो फोटो वाले डाकुओं से मिलती है। मिलेंगी कैसे नहीं, हम दोनों तो वही हैं। बंता संता। How dare you? बंता। ए, लड़की को हाथ नहीं लगाना समझे? ए चुप बैठ। ए संता, वो छोड़ ये पकड़। ले। बहुत लाते मारते हैं। चल तुझे बेसाल तेरी। भरी है। चल लात मार। रात और कुछ खाया नहीं है। पानी भी, पानी है क्या किधर?
पानी लगता है इसमें पानी है। पहले तू पी, बचा तो मैं पीऊंगा। पानी बचा तो? नहीं नहीं तू बचा तो। हाँ हाँ हट गया बट। ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है ना, मालिक करे ठंडा हो जावे। ये क्या है? अबे क्या कर रहा है? लादी निकाल दिया। ये क्या कर रहे? ये लादी निकालने की बहुत कोशिश की, नहीं निकल रही है। सोच लिया कि यहीं से काट लूं। तो पैर के साथ निकाल रहा है? एक शॉर्टकट बताता ना, यहां से निकालना। हाँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत लेट आइडिया दिया आपने। क्या हुआ? चूहा है। चूहा? चूहा? अरे अरे तू गिरा क्यों? तू तो कह रहा था कि तूने चार मर्डर किए और चूहे से डर रहा है? अरे मैंने आज तक मक्खी भी नहीं मारी तो चूहा क्या मारूंगा? मैंने कोई मर्डर नहीं किया। मैं वो जोरा भाई के कोठे पे चौकीदार था, वहां से मुझे निकाल दिया। अच्छा? वो पेपर में मैंने इश्तिहार पढ़ा, इसलिए मैं झूठा किडर बन के आया था। ये मेरा पहला ही केस है। ये तेरा आखिरी केस है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे उन लोगों से बचाया। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं, वो तो मेरा फर्ज था। फर्ज था या तुम्हें मुझसे? तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है कि हीरो ने हीरोइन को बचाया, दोनों में प्यार हो गया? मेरी माँ, मेरे साथ ऐसा कोई चक्कर मत रखना। मेरी चॉइस एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट है। क्या बदतमीजी है? ए मिस्टर, अपनी शक्ल देखिए आईने में। देखिए क्या देखा है? हीरो लगता हूँ। कोई लड़की थूकेगी भी नहीं तुम पे। क्या हो, जा रही हो? हाँ। अरे अरे सुनो, वो बहुत भयानक किस्म के जानवर मिलेंगे वहां पे। जब तक हथकड़ी थी तो दूर भागती रहती थी, और आज जब हथकड़ी नहीं है तो पास आना चाहती। इसीलिए कि प्यार की हथकड़ी ने एक बार फिर हमें तुमसे बांध दिया है। मोहब्बत हो मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत हो गई है।
करते हैं क्या। वो मेरी शादी किसी हांगकांग के कटपी से करना चाहते हैं और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पंडित जी हमें जल्दी से आशीर्वाद दे दीजिए, अपने पास टाइम बिल्कुल नहीं है। पंडित जी आप महान हैं। शादी होते ही तुरंत हमें गांव जाना है, इसलिए जरा थोड़ी चलो। सब सर देखिए, सर प्लीज, सर प्लीज, सब सर प्लीज, ये शादी मत रोकिए सर, सर प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर, हम दोनों एक्सीडेंट प्रोन है वरना ये एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। मेरे पंडित ने भी यही कहा है, तुम कुछ बोलो ना। हाँ सर, आप जानते नहीं हम जब भी मिलते हैं। कानून के हवाले कर दो। पुलिस वाला है तो तुम कौन हो? पुलिस वाले पे गोली क्यों चला रहा है? ये पुलिस वाला नहीं है। हा? ये पुलिस से भागा होगा गुंडा लगता है। चलो
ए, चल चल अट, बहुत हो गया तेरा पुलिस का नाटक, हिलना नहीं, आगे मत बढ़ना नहीं तो जान से मार दूंगा। बंदूक मुझे दे दो। तो तुम ये मत समझना मुझे गोली चलाना नहीं आता। हाँ पागल मत बनो, गन मेरे हवाले कर दो। आगे मत बढ़ना नहीं तो गोली चला दूंगा। चला चला गोली, कम ऑन, शूट शूट ऐसे शूट, गोली चलाना हर एक की बस की बात नहीं। हाँ तुम्हारे बस की बात है, तुम जैसे गुंडे ही गोलियां चला सकते हैं, लोगों का खून कर सकते हैं, क्योंकि तुम जैसे लोगों के सीने में दिल होता ही नहीं है। अरे अच्छे भले जा रहे थे हम शादी करने, पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, गुंडे कहीं के। बस इसके आगे एक भी लफ्ज मत बोलना। रातों को नींद नहीं आती है, रातों को नींद नहीं आती है, शाम सवेरे तेरी याद सताती है, जब मेरी आंखों से दूर तो जाती है, सच कहता हूँ मेरी जान चली जाती है। रातों को नींद नहीं आती है, शाम सवेरे तेरी याद सताती है, रातों को नींद नहीं आती है, शाम सवेरे तेरी याद सताती है। मैंने प्यार किया है, इकरार किया है, इंतजार किया है, एतबार किया है, मैंने प्यार किया है, इकरार किया है, इंतजार किया है, एतबार किया है, तेरे ख्यालों में जानम अब तो जीती मरती हूँ, तेरे नाम को लेके सारा पल बहाने भरती हूँ, कैसे समझाऊं मैं तू मेरी जाने जा, ख्वाबों में आके मुझे रोज तड़ पाती है, रातों को नींद नहीं आती है, शाम सवेरे तेरी याद सताती है।
बड़े दिनों के बाद सनम घड़े मिलन की आई है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, एक इतनी इंपॉर्टेंट डिस्क गायब हो गई है और तुम दोनों यहां एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट में बैठकर बियर पी रहे हो। हमने उसका बंदोबस्त कर लिया है। बंदोबस्त? बंदोबस्त तुम क्या करोगे? मैंने बंदोबस्त कर लिया है। वो कैसे? तुम्हारे उस इंस्पेक्टर ठाकुर को खरीद कर वो उस आदमी को गोली मारकर डिस्क हमारे हवाले कर देगा। लो बेटे, लो। अरे रे, बैठो बेटे, दूध पियो। बेटे, तुमने अपनी जान पर खेलकर संता बंता से मेरे बेटे की जान बचाई है। अरे वही संता बंता, वो खतरनाक मुजरिम जिन्होंने अटैक किया था मुझ पे, वो हो। विक्रम कह रहा था तुम्हारी वजह से इसे शहर में नौकरी मिली है। जी। तुम्हारी वजह से इस घर में कितनी खुशियां आई है, मुझे चांद जैसी बहू मिली है।
तुम्हारे इतने सारे एहसानों का बदला हम कैसे चुकाएंगे बेटे? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। बच्चे अपनी माँ पर भला कैसे एहसान कर सकते हैं? भगवान तुझे ढेर सारी खुशियाँ दे, तुझे खुश रखे। क्या करें, शादी कर ले? कोई फायदा नहीं है। क्यों? पंडित ने कहा था ना कि अगर हम शादी कर लेंगे तो सब मुसीबतें ठीक हो जाएंगी। हाँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता है। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम खुद मुसीबत घर पे ले आए हो। ये जिंदाल का आदमी है, पता नहीं ठीक हो कि तुम्हें। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करे। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है विक्रम, तुम्हारी जान तक ले सकता है। अरे पगली, जान दे सकता है, ले नहीं सकता। तुमने देखा नहीं इसने मुझे बचाने के लिए कैसे अपनी जान जोखिम में डाल दी? और क्या? इसलिए क्योंकि तुम उसके ब्लैंक चेक हो। ये तुम्हारी जान का सौदा जिंदाल के साथ करेगा, और तुम्हें कुछ हो गया तो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा पागल। मेरा नाम चिंटू है, विक्रम मेरे चाचू हैं। ये मेरा बैंक है, इसमें बहुत सारे पैसे जमा करके रखे हैं। तुम्हें चाहिए तो ले लो। अच्छा सब ले लो। अरे नहीं बेटे, आप रख लो, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने अभी सुना तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम पैसों के लिए मेरे चाचू को भी मार दोगे। नहीं, मेरे चाचू को मत मारो, चाहे तो मेरे सारे पैसे ले लो। मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा, मेरे चाचू को मत मारना प्लीज। मेरे चाचू को छोड़ दो प्लीज, मेरे चाचू को मत मारना प्लीज, मेरे चाचू को। नहीं बेटे, मैं आपके चाचू को नहीं मारूंगा। मैं क्या, कोई नहीं मारेगा आपके चाचू को। प्रॉमिस प्रॉमिस। ये बॉडी देख रहे हो? अगर किसी ने तुम्हारे चाचू को हाथ भी लगाया ना, उसकी हड्डी तोड़ दूंगा मैं। आजा, अगर तुम्हें जिंदा रहना तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरे साथ शहर चल के उससे सौदा करना होगा। जिंदाल के खिलाफ गवाही देकर उसे अंदर करवाना होगा। मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो किसी और को पैसे देकर तुम्हें मरवा देगा। तुम बच नहीं सकते। अच्छी चाल है तुम्हारी, तुम हमें यहाँ से ताकत से तो ले जा नहीं सकते हो, इसलिए जाल में फंसा के ले जाना चाहते हो। मैं सब जानती हूँ, डिस्क मिलते ही तुम इसे जिंदाल के हवाले कर दोगे। तुम गलत सोच रही हो, मैं आया तो था पैसों की खातिर इसे पकड़ने, लेकिन अब मैं इसे बचाना चाहता हूँ। इसके घर वालों की चाहत और तुम्हारा प्यार देखकर मुझे अपना प्यार याद आ गया। उस वक्त मेरा नाम शिवा नहीं, इंस्पेक्टर शिव कुमार था। बड़े से बड़े मुजरिम मुझसे डरा करते थे, ऐसे ही खतरनाक मुजरिम को मैंने गिरफ्तार किया था। क्यों, क्या करेगा, गोली मारेगा? अबे रिवॉल्वर खाली है, प्लानिंग नहीं समझा तू? वो चाहता है कि तेरा एनकाउंटर हो, अंदर बात नहीं सुनी है? इसलिए तो इतने आसानी से तेरे हाथ में खाली रिवॉल्वर दे दिया, ताकि तू ट्रिगर दबाए और ये सारे तुझे गोलियां सब भून दे। ला मुझे दे दे, अबे ला रिवॉल्वर दे दे, ला ला बेटा, ताकत के साथ साथ अकल की भी जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। कैकम, जब मैं उसकी तहकीकात कर रहा था, उसके साथी मेरी अन्नू को अगवा करके ले गए। इंस्पेक्टर शिवा, तुम्हारी मंगेतर मेरे कब्जे में है। और मेरी अन्नू हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। मैं कुछ नहीं कर सका, और ना ही मेरे कानून ने कुछ किया।
nonsense is this? कोर्ट ने दुर्गा ठाकुर को बेल पर छोड़ दिया और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कोर्ट के फैसले के सामने हम कर भी कह सकते हैं शिवा। राइट कोर्ट, एक एसीपी की बहन, एक इंस्पेक्टर की होने वाली बेबी, और वो कमीना इतनी बेरहमी से उसे मार देता और हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करें? इस यूनिफॉर्म को फेंक दे, फेंक दे इस यूनिफॉर्म को। शिवा होश में आओ। शिवा ये मत भूलो कि अनु मेरी भी बहन जैसी थी, लेकिन कानून के फैसले जज्बात से नहीं किए जाते। तो फिर किससे किए जाते हैं? हाँ, सबूत से। कहाँ है सबूत? कानून ने तो उसे छोड़ दिया, अब केस चलेगा 5 साल 10 साल, और उसके बाद सबूत न मिलने के कारण उस कमीने को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि ना ही मुझे सबूत चाहिए और ना ही गवाह। शिवा रुक जाओ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। जिस तरह आज दुर्गा ठाकुर के खिलाफ सबूत नहीं है, कल उसी तरह उसकी मौत के बाद आप लोगों के पास मेरे खिलाफ सबूत नहीं होगा, ये वादा है मेरा। किसे मैं आकर उसकी जान ले ली। सजा ना दे सकी, लेकिन इंस्पेक्टर शिव कुमार शिवा बन गया हूं। विक्रम, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है तो चलो मेरे साथ। आज तक तुमने अपने आप को सपनों में हीरो बनते देखा, आज मौका है असली हीरो बनने का। चलोगे मेरे साथ? बोलो कहां चलना है। खड़की मानिक राव की तलाश में। सर, मैं मानिक राव बोलता है। अरे मानिक राव, तुम हो कहाँ या पहुंचे क्यों नहीं? वो लड़का कहाँ है? एक बुरी खबर है, लड़का हाथ से निकल गया। और वो डिस्क? हाँ, वो डिस्क मेरे पास है। तुम एक काम करो, वो डिस्क लेकर फौरन कालीघाटी के कंट्रोल यार्ड में पहुँच जाओ, फौरन। लेकिन मेरे 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपने मानिक राव को देखा? कौन मानिक राव? वो तो अभी अभी पुल की तरफ गया है, बड़ा खुश था, कह रहा था मैं लखपति बन जाऊंगा, आज से चिंदी छोड़ी बंद। सेठ जी, मुझे लगता है आपको जहर पी के मर जाना चाहिए। क्यों बे? आपकी बेटी देखिए। लुका पठा, मेरी बेटी इतनी भयानक आदमी के साथ जहर पिला उसको। अरे वो देखिए भाई, गाड़ियां, अरे मेरी गाड़ी है। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, नहीं तो धक्का मारी। चल
दो भाई साहब, पैसे दे दो। अबे रोक मत, नहीं तो एक झापड़ मारूंगा, तेरे को तेरा पैसा मिलेगा। अभी मालदार बन के आता हूँ, फिर देता हूँ ना मेरे राजा। गाड़ी लेके बाहर खड़ा रहे, चल। कमाल है। नमस्कार जिंदाल साहब, मैं मानिक राव, मुंबई के डॉन, इंटरनेशनल खिलाड़ी है। आप आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी मेरी। आए जिंदाल साहब, इसने काय को मारा? अबे चिंदी चोर, मैं नहीं, ये है जिंदाल साहब। डिस कहाँ है? अब जिंदाल साहब, जल्दी से मेरा 20 लाख रुपया दे दो। इधर से सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा, उधर से बैंकॉक। सैंडविच मसाज 20 लाख के साथ साथ रिक्शा का मीटर का 100 रुपया भी दे देना माई बाप। जिंदाल, 20 रुपए के डिस्क के लिए 20 लाख मांग रहा है। हाँ? वो डिस्क तो नकली है जिंदाल, असली डिस्क मेरे पास है। ए, क्या बात कर रहा है तू, असली को नकली बोल रहा है? तू है कौन? तेरा बाप। अरे मेरा बाप असली डिस्क यही है। असली डिस्क इसके पास कैसे हो सकती है, जबकि असली डिस्क का लड़का मेरे पास है। अरे अरे मैंने इसी के पास से छीना था जिंदाल साहब, मेरे बाप इसी के पास से छीना। जिंदाल साहब, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरे पैसे दीजिए। ये रही आपकी डिस्क और वो रहा आपका लड़का। क्या बेवकूफी की जिंदाल? शिवा झूठ बोल रहा है, असली डिस्क तुम्हारे पास है। अरे मेरे मालिक, मैं पहले ही बोल रहा था। गुंडों ने मारामारी शुरू कर दी है, शरीफों के मोहल्ले में दादागिरी करते हो। साहब मेरे को रिवॉल्वर दो, एक एक को शूट कर दूंगा। अच्छा, मेरी रिवॉल्वर मुझे दिखाकर मुझे धोखा देकर भाग जाना चाहता है तू? अरे नहीं साहब, मैं धोखा देकर नहीं भागता हूँ, मैं मौका देकर भागता हूँ। जिस तरह पिछली बार भागा था। अरे साहब आपको तो मालूम है ना, मेरे बाप को काशी यात्रा लेके जाने का था, पैसा पानी नहीं था, पैदल लेके गया, पैदल लेके काशी से वाशी आया, वाशी से इधर सीधा रिक्शा पकड़ के आया। रिक्शा कब से चलाने लगा है तू? अरे साहब मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ, भाड़े की रिक्शा से आया। भाड़े की रिक्शा लेकर आया है तो मुझे ड्राइवर से मिलना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि इस एरिया में रिक्शा अलाउड नहीं है। ये ड्राइवर तेरा रिश्तेदार है या तेरे मोहल्ले का है? वो जवान है या बूढ़ा है? अगर जवान है तो ये जानना जरूरी है कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं, और अगर बूढ़ा है तो ये जानना जरूरी है कि वो कितना बूढ़ा है, क्योंकि अगर वो बहुत बूढ़ा है तो उसे कहना मुझे आकर मिले, मैं उसके लिए एक टैक्सी का प्रबंध कर दूंगा। मेरे पड़ोस में जो बैंक है ना, उसका मैनेजर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उससे लोन लेकर उसे एक टैक्सी दिलवा दूंगा, और अगर टैक्सी उसे मिल जाएगी तो बेचारे की बाकी की। अबे सो क्यों रहा है? सोने में से मुझे याद आया कि जब अबे सो जा चिंदी, तू चिंदी ही रहेगा। चिरकुट।
इस बंदूक को देखकर याद आ गया रामगढ़ का वो किस्सा, जब वीरू बसंती को लेकर भाग चुका था और जय मर चुका था और गब्बर जेल से छूट चुका था और ठाकुर को काटने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए आवेश में आकर उसने ठाकुर की दोनों टांगें काट दी। अब ठाकुर वहां पे पड़ा हुआ था, गब्बर मेरे सामने और मैं गब्बर के सामने, और अफसोस की बात ये थी कि ये बंदूक हाँ हाँ अब छोटी हो गई, उस वक्त बड़ी थी, ठाकुर के दोनों पैरों के पास पड़ी हुई थी और ठाकुर के पास वो पैर भी नहीं थे जिससे वो लात मारे और बंदूक को मेरे तक पहुंचा सके, इसलिए मैं लपका, मैंने बंदूक उठाई और हवा में दो गोलियां चलाई, ठीक क्या मैंने गब्बर और सांभा का खात्मा कर दिया और ठाकुर खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, और जानते हो खुश होकर उसने मुझे इनाम में क्या दिया, अपनी बेवा बहू का हाथ। आज वही रामगढ़ है, मैं हूँ, मेरी बीवी है, चार बच्चे हैं, रामू काका है, ये नहीं है। Drop your gun! Daddy, आप यहाँ? अरे, तू कहाँ चली गई थी? डैड, मैं तो अपने सपनों का राजकुमार ढूंढने गई थी। ये गोलियाँ और बम की आवाज सुन के लगता है इसको इसका कुंडली वाला मिल गया। क्या कर रहा है? पैसा दिया, घूसा तुम्हारा, गोली तुम्हारा नहीं, आपके साथ यहाँ तक आया ना, पैसा खत्म हो गया और क्या है? तो इसको कौन मारेगा? आप मारिए, मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं मारूं? लेकिन मारने की जरूरत, एक मिनट, हम आपस में बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोल। हाँ बोलिए, क्या है? मैं यहाँ मालिक हूँ, तू मेरा नौकर है, काम मारने का तेरा है। क्या हुआ? तू मेरे से मार खाएगा ज्यादा? मैं क्या बोल रहा हूँ, मारने की जरूरत? बकवास करेगा, कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। अरे तुम क्या निकालोगे यार? क्या बोला? निकाल साले को। देखिए, अगर पैसा आपने दिया है तो मतलब ये नहीं कि क्या है? ये तूने क्या किया अभी? इसको क्या करने का था? अब अगर दूसरा कोई भागा ना तो मैं तेरे को जान से मार डालूंगा। मेरा नाम भी हीरानंदानी है। कौन है? आप ही हीरानंदानी हो? हाँ, क्यों, तेरे को क्या तकलीफ है? अरे कब से ढूंढ रहा हूँ मेरे बाप। याद है मैंने तुमको तुम्हारी छोकरी के लिए फोन किया था? अरे 25 लाख रुपए के लिए फोन किया था। हिंदी चोर लगता है ये। अरे वो 25 लाख रुपए मेरे को दे दो, मेरी रिक्शा वेटिंग चल रही है, 100 रुपए मीटर का। लेके तू रिक्शा में जाएगा? रिक्शा में किधर जाएगा तू? अरे मैं रिक्शा से सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट से बैंकॉक जाऊंगा। वहाँ क्या करेगा? वहाँ सैंडविच मसाज कराऊंगा। सैंडविच बनाएगा? सैंडविच मसाज कराएगा? हाँ, सैंडविच मसाज। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, मैं तेरे को इधर ही सैंडविच मसाज करा देता हूँ ना। इधर कैसा करते? अच्छी करता है, कर जरा। इसे पकड़िए, मालिश वाला है क्या? इधर नहीं पैसा नहीं।
रुक जाइए। चले जाओ। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, झोली भला के भीख मांगता हूँ, मेरा आई कार्ड मुझे वापस कर दो। हर सड़े हुए धाने, हर पुलिस ऑफिसर का मैं शिकार बन चुका हूँ। और वो गाय टुंडे, भगवान करे वो साला टुंडा हो जाए, उसके भयानक किस्से मैं तो क्या, मेरी आने वाली सात पुश्तें भी सुनने से इनकार कर देंगे। मेरा आई कार्ड वापस कर दो। अब आपको इस आई कार्ड की कोई जरूरत नहीं, और नहीं अपने आप को ऐसी भी कहने की जरूरत है। ऐसा मत करो, वही मेरा सहारा है। अरे नहीं, आप तो कमिश्नर बनने वाले हैं। मजाक कर रहे हो, परेशान को और परेशान मत करो। ये लीजिए वो डेस्क, ये आप डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दीजिए, वो खुद ब खुद आपकी तरक्की कर देंगे, आपको कमिश्नर बना देंगे। अब आप चाहे तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आज मुझे समझ में आ गया है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो। तुमने जो कुछ किया इस देश के लिए किया है। पुलिस ऑफिसर की नौकरी छोड़ने के बावजूद भी तुमने वही काम किया जो एक पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए था। मैं क्या, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुमको सलूट करता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू एसीपी साहब, थैंक यू। नो एसीपी साहब, कमिश्नर राठौर। थैंक यू कमिश्नर। आई एम नॉट एसीपी, आई एम कमिश्नर। कमिश्नर। यस।